जब किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन पदों पर पहुंचेंगे जहां से इस देश की नीतियां बनती है, तब भारत का सही मायनों में विकास होगा। कुछ ऐसा ही मानना था पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट का। 19 साल पहले भारत के सबसे प्रिय राजनेताओं में से एक और राजस्थान के सम्मानित गुर्जर नेता राजेश पायलट का एक एक्सीडेंट में निधन हुआ था। इसी मौके पर स्वर्गीय राजेश पायलट की 19वीं पुण्यतिथि मंगलवार को दौसा के भंडाना स्थित स्मारक पर मनाई गई। उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सचिन पायलट सहित हजारों लोगों ने राजेश पायलट की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सचिन पायलट ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने पिता को याद करते हुए लिखा, मेरे पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपना जीवन राज्य एवं देश की सेवा में समर्पित किया, मेरे लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। बता दें, स्वर्गीय राजेश पायलट राजनेता से पहले स्क्वाड्रन लीडर थे, लेकिन कुछ सालों बाद समाज और परिवेश में बदलाव लाने के लिए राजनीति को अपना हथियार बनाया। उन्होंने सबसे पहला लोकसभा चुनाव राजस्थान की भरतपुर सीट से लड़ा था। इसी दौरान संजय गांधी के कहने पर उन्होंने अपना नाम राजेश्वर सिंह विधूड़ी से बदलकर राजेश पायलट करा लिया था। पिता राजेश पायलट के निधन के बाद सचिन ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाली। राजेश पायलट ने 1987 में जय जवान जय किसान ट्रस्ट बनाया था, जिसका उद्देश्य गरीब किसानों और पिछड़ों की मदद करना रहा है। राजेश के निधन के बाद उनके परिवार ने उनकी इस विरासत को संभाले रखा है।